हो क्यों? सुन लिया ना, मूर्ति को तुम क्यों छुपा कर रखी हो? सत्यवादी बनता है। स्वामी जी मैं क्या बताऊंगी? सोचता है बाबा नहीं जान पाएगा। सुना रहे मूर्ख मंत्री, मंडी इसलिए मैं छुपा करके रखी हूँ स्वामीनाथ कि मेरे पिता इस दुनिया से मैं पिता कर दी, पूरी शरीर का मांस मैं बना करके बाबा के भोजन तैयारी कर दी स्वामी जी, और मुंडी मैं इसलिए छुपा करके रखी स्वामीनाथ मैं कहीं से आएंगे तो बच्चा को मुक्त देख करके अपने दृष्ट को रखूंगी स्वामीनाथ, इसलिए मैं मुंडी का मांस में ही मिलाई स्वामीनाथ। क्या बात है रानी जी? अच्छा रानी, वो मुंडी को तुम छुपा कर रखी हो? हाँ स्वामीनाथ। वो मरा हुआ मस्तक कितना दिन रहेगा? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कीड़ा पड़ जाएंगे बाबा। कोई फायदा नहीं है रानी, चलता हूँ मैं। नहीं ठीक है बाबा, मैं उपाय बताइए बाबा, क्या क्या करेंगे? राजन, अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। जिस मस्तक को महारानी छुपा कर रखी है उस मस्तक को खल और ढूस में कूट कूट कर भूसा भूसा बना दो और फिर से ये मांस ले जा, फिर से भोजन का तैयारी। ठीक है, अगर इस बार संतों के साथ छल किया तो सोच लीजिए। ठीक है स्वामीनाथ, मैं भी लाते हूँ। जाओ और उसे फल मुसल में कूट कूट कर बना कर लाओ। लगाइए